सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सीयूईटी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। और हमारा एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट, जरूर डाउनलोड करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। प्यारे दोस्तों, हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दिए, काफ़ी सारे बच्चों को पढ़ाया, ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स का काउंसलिंग करवाया, और बहुत सारे बच्चों का मतलब कम से कम 200 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एडमिशन प्रोसेस में पढ़ाई से लेकर के एडमिशन तक हमने हेल्प किया। अब हम आपके सामने हैं किस लिए, 2024 में हम ये हेल्प और ज्यादा कर सके और बच्चों को गाइड और मेंटरशिप कर सके इसके लिए। देखिए, मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है अमित सिंह आर्या। मैंने BHU से अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, साथ ही साथ मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी LLB एग्जाम भी क्रैक किया है, और मेनी मोर गवर्नमेंट एग्जाम्स, जो आप सोच भी नहीं सकते उतने गवर्नमेंट एग्जाम मैंने क्रैक कर लिया है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपका सिलेबस, एडमिशन प्रोसेस और कट ऑफ ये क्या रहने वाला है, और इसको किस तरीके से पढ़ा जाए, किस तरीके से तैयारी की जाए कि 2024 में श्योर गारंटीड एडमिशन हमारा हो पाए। देखो, इस बार जितने भी बच्चों का एडमिशन हुआ है ना, मैंने एक चीज कॉमन देखा है, और वो कॉमन क्या देखा है, जो बच्चे टाइम से तैयारी कर रहे थे उनके एडमिशन बहुत टाइम से हो गई। ठीक है, आपने पिछले वीडियो में, जो मैं इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, उसमें देखना, मैंने एग्जामिनेशन का आपका शेड्यूल दिया है। आप यूजी का तैयारी कर रहे हो या पीजी का, पीजी का तो और पहले होने वाला है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, चाहे आप एमए करो, एमएससी करो, एमटेक करो, कुछ भी करो, उसका एग्जाम तो और पहले होने वाला है। अब बच गए यूजी वाले बच्चे, उनका मई तक जाएगा, मतलब इस बार से भी पहले एग्जाम होने जा रहा है, मई में एग्जाम आपका खत्म कर लिया जाएगा, इस बार जून जुलाई तक गया था। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। टाइम का रिस्पेक्ट आप नहीं करोगे, टाइम आपका रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो इस चीज को समझते हुए हम अभी बात करेंगे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से, क्या सिलेबस आपका रहने वाला है, क्या एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है, और कट ऑफ क्या था, ये तो स्टेप बाय स्टेप हमने गाइड किया ही है। तो रिसेंट के वीडियोज आप जब देखोगे उसमें आपको कट ऑफ का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको कट ऑफ क्या रखना है, आपको अपने फुल मार्क्स का जो है 70% टारगेट करना है, ये कट ऑफ आपने कर लिया, यहाँ एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक करना आपका बनता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो ये है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। ये आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन इसे कहते हैं, मतलब सूचनाओं का एक बुलेटिन, जैसे आप सुनते थे पहले आकाशवाणी पे, हर यूनिवर्सिटी जारी करती है, चाहे वो BHU हो या फिर DU हो, सबके अपने अपने यहाँ पे हैं जो आप जारी कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं है इसमें। जब हम आगे बढ़ेंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ये सब इंफॉर्मेशन रहेगा, आप पढ़ लेना आराम से, वाइस चांसलर की मैसेज रहेगी। ऑनलाइन सबमिशन का फॉर्म देखो, 2023 में फरवरी से मार्च आया था, लेकिन इस बार जनवरी लास्ट तक आपके फॉर्म आ जाएंगे, आपको हर हाल में फॉर्म भर देने हैं। कितना पैसा लगेगा ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, ऑलमोस्ट 1000 रुपीज, मतलब आप मान के चलो पिछली बार से आपको हम अनुमान देकर के बता रहे हैं, 1000 रुपए आपके लग जाएंगे फॉर्म भरने में। ठीक है, सिर्फ एक सब्जेक्ट का क्या सिलेबस रहने वाला है, और क्या टेस्ट पेपर का, क्या सिलेबस ब्रॉड फीचर CBT पैटर्न में होगा, पेन एंड पेपर मोड में होगा, किस मोड में होगा, यहाँ जो स्क्रीन में आपने सामने मैंने आपके रखा है ना, इसको रट लेना, आप लाइफ में आपके पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो मोड ऑफ द टेस्ट देखे तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, पहली चीज कंप्यूटर पे एग्जाम होगा, तो पेन एंड पेपर पे नहीं होगा, तो ये प्रैक्टिस के लिए आपको कंप्यूटर चाहिए, बहुत मुश्किल नहीं है, ईजी होता है। टेस्ट पैटर्न में ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, MCQ होगा, मतलब एक क्वेश्चन उसके चार पांच आंसर, नॉन ऑफ द अबव, ABCD जो भी होगा आपको टिक करना होगा, उस पर ब्लिंक करना होगा माउस से, माउस ये हुआ तो माउस से इस पर करना पड़ेगा। मीडियम आपका 13 लैंग्वेज का दिया जा रहा है, आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो, लेकिन बेसिकली इंग्लिश या हिंदी में ही दोगे, आप हिंदी भाषी हो तो ठीक है, यहाँ ऑप्शन है, टेंशन नहीं लेना है। लैंग्वेज जो पूछा जाएगा ना, उसमें आपको क्या टेस्ट किया जाएगा, मतलब भाषा का जो आपका परीक्षा होगा वो टेस्ट करेगा आपका कॉम्प्रिहेंशन, मतलब समझ, पैसेज पूछा जाएगा, फैक्चुअल, लिटररी एंड नैरेटिव, कहानी की तरफ पैसेज हो सकता है, नैरेटिव हो सकता है, फैक्चुअल हो सकते हैं उसमें। अब कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या करना चाहिए हम आपको बताएंगे, टेंशन ना लो। लिटररी की अगर हम बात करें, एंड एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी, एंटो साइनो इडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेशल वर्ड्स जो होते हैं इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारे पास अगर तैयारी करोगे तब तो हम आपको सारा कुछ फैसिलिटेट कर देंगे, और आप जैसे बच्चों के लिए बहुत कम हमने फी रखा है BBAU के स्टूडेंट के लिए, आपको व्हाट्सएप करना है नीचे और बताना सर हम करने वाले हैं 2024 की तैयारी। सो प्लीज बी केयरफुल,
आपके लिए जो ऑफर है उसका फायदा जरूर उठाइएगा। सिलेबस में बात करें तो डोमेन सब्जेक्ट, अब कौन सा कोर्स आप ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आपका डोमेन कौन सा है। हो सकता है डोमेन ना भी हो, बट मोस्ट प्रोबेबली इस यूनिवर्सिटी में डोमेन है। जनरल टेस्ट एक सबको देना है ऑलमोस्ट, जिसमें जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जीके महासागर सिलेबस है, ठीक है। करंट अफेयर्स भी महासागर है, 1 साल के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी पढ़ने हैं, मतलब वैसे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन जो कैलकुलेशन बेस्ड हो, ये भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक, अल्जबरा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। क्या क्या पूछा जाएगा इसमें लिखा हुआ है, बेसिक मैथमेटिकल एबिलिटी, अल्जबरा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये सब बेसिक कैटेगरी होंगे, एडवांस लेवल के नहीं होंगे। हाँ, लेकिन एग्जाम में कंपटीशन को कम करने के लिए वो आपको दे भी सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है, इसको बहुत क्लियरली समझ के रखिए, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, वहां पे आप कंफ्यूज होने लगते हो कि यार इन्होंने सिलेबस में और कुछ दे दिया। अब आपको फॉर्म कहाँ भरना है, रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है, cuet.samarth.ac.in, ये सीयूईटी का वेबसाइट है। चूंकि अब जितनी भी एग्जाम्स होती हैं इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, वो सीयूईटी कंडक्ट करता है। एनटीए इसकी एजेंसी है जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, ठीक है ना, और फिर इसे कंडक्ट किया जाएगा अलग अलग भाषा में, अलग अलग एग्जाम सेंटर पे। ये सब तो खैर नॉर्मल चीजें हैं, आपको पता होंगी। बट ये जो जनरल टेस्ट का सिलेबस है, इसकी तैयारी सबसे फास्ट होगी और सबसे पहले आप स्टार्ट कर दो। डोमेन सब्जेक्ट चाहे आपका हिस्ट्री हो, साइकोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, लीगल एप्टीट्यूड हो, सब कुछ आपको इत्मीनान से पढ़ना है। आपको सिलेबस का थोड़ा और डिटेल डाइव करना होगा। हमने अभी क्या क्या बताया आपको, बीए का सिलेबस और BA LLB का, तो फिलहाल इसी की बात करेंगे। सेक्शन 1A में लैंग्वेज आप ले सकते हो, कोई भी आप लैंग्वेज एक ले सकते हो, एक लैंग्वेज आपको लेना पड़ेगा। डोमेन में, यानी सेक्शन 2 को यहां डोमेन कह रहे हैं, ठीक है, आपको एक पॉलिटिकल साइंस लेना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, नॉलेज, ट्रेडिशन, प्रैक्टिस ऑफ इंडिया, एनी 3, एनी 3 आपको लेने पड़ेंगे डोमेन। अब 3 डोमेन सब्जेक्ट जो है उसका सिलेबस क्या होगा वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ऐसे आप जान लो एनसीईआरटी 12th का सिलेबस यहाँ फॉलो किया जाएगा, उसको रिगरसली पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ना मजाक नहीं है, देखने में वो छोटे छोटे लाइंस लगते हैं लेकिन उनके पीछे बहुत बड़ी रहस्य छुपे रहते हैं, ठीक है। तीन आपको लेना होगा अगर बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन लेना है तो। बीएससी की मैम आपको अलग बताएंगी, आपको टेंशन नहीं लेना है। बीकॉम का भी आएगा आपके लिए। BBA LLB और BBA को हम अभी देख लेंगे। BBA में आपको सिर्फ जनरल टेस्ट देना है और एक लैंग्वेज देना है। जनरल टेस्ट का एग्जाम 100 मार्क्स का होता है और ये लैंग्वेज, इन्हीं दोनों के बेस पे आपका मेरिट बनेगा, समझ में आए ना। और बीए में किसके बेस पे मेरिट बनेगा, बीए में लैंग्वेज और 3 आपके डोमेन सब्जेक्ट के बेस पे बनेगा, राइट। बीबीए में एक लैंग्वेज तो सबका होगा, ये आप फिकर निकाल दो, लैंग्वेज तो सब में है ही, लैंग्वेज आलू है, मतलब वो सबको देना है, ठीक है। एंड जनरल टेस्ट भी कभी कभी आलू हो जाएगा, वो सबको देना ही पड़ता है, तो जनरल टेस्ट भी आपको यहां देना पड़ेगा। जनरल टेस्ट का सिलेबस हमने डिस्कस किया है। अब उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जीके में तो मतलब इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स, अगर हम बात करें मिसलेनियस जीके, स्पोर्ट्स, ये सब पूछे जाते हैं, तो बहुत भास्ट सिलेबस है, आपको तुरंत तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। इसकी स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगी। स्टडी मटेरियल का भी हम, अगर सिर्फ आप स्टडी मटेरियल से पढ़ना चाहते हो तो आप रेगुलर उस पर स्टडी मटेरियल अपडेट किया जाएगा, ई बुक्स, PDFs, वो भी आप ले सकते हो। BBA LLB में लीगल स्टडीज आपको देना पड़ेगा, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एनी 3। आप इसमें जो होशियार बच्चे हैं वो लीगल स्टडीज ले लेते हैं, ज्योग्राफी या हिस्ट्री ले लेते हैं, तो ये सब आपको काम आएगा वहां भी पढ़ने में, क्योंकि वो 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है और आपको नॉलेज भी चाहिए। तो 3 कोर्सेज यहाँ और एक डोमेन। अच्छी बात यह है कि यहाँ जनरल टेस्ट आपको नहीं देना है, अगर जनरल टेस्ट देना रहता तो और ज्यादा फास्ट हो जाता। मोस्ट प्रोबेबली आपके पास जो चांसेस बच रहे हैं वो BBA LLB का सिलेबस क्रैक करने के लिए। लीगल स्टडीज अच्छे से पढ़िए, जो न्यूज पेपर आते हैं उसके करंट अफेयर्स देखिए, लॉ बेस्ड, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट ने क्या, कौन सा बिल पास किया, कौन से जज ने क्या वर्डिक्ट दिया, क्या डिसीजन सुनाया, राइट। तो ये सब लीगल स्टडीज के पार्ट है, हम आपको बताएंगे। लीगल एप्टीट्यूड का एक अलग से प्लेलिस्ट भी है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो BBA LLB का डिटेल सिलेबस क्लियर कर दिया हमने आपको। आपको क्या करना है, इसकी जो जनरल एलिजिबिलिटी है ये भी देख लीजिए। फॉर्म आप तभी भरोगे जब आपका एटलीस्ट 50% मार्क्स हो फाइनल में, मतलब 12th के बेस पे, चूंकि ये दोनों होना है तो 12th में आपके इतने नंबर होने चाहिए। आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, सिलेबस क्या है। अब बात करते हैं कट ऑफ की।
कितने मार्क्स का इसमें एग्जाम होगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, जो आपका डोमेन पेपर है सीयूईटी का सिलेबस 2024 का जो हम डिस्कस करेंगे उसमें हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि जो डोमेन पेपर है हमारा उसके कितने मार्क्स होते हैं, क्योंकि वो 2024 के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाकर के देख सकते हो। और उसमें आपको 70% ऑफ द फुल मार्क्स टारगेट करना है, ठीक है? 70% ऑफ द फुल मार्क्स मतलब पूरे नंबर के 70% आपके पास होंगे तो ही आप इसमें बहुत बेस्ट कर पाओगे, आपका फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट में सब कुछ हो पाएगा, हॉस्टल वॉस्टल सब मिल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपको प्रोवाइड की, आई होप आपने आप हर चीज़ समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो या कुछ भी आपको डाउट लग रहा है तो आप हमसे बेझिझक पूछिए, हम उसको सॉल्व करने के लिए ही हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।